नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए पंचायत चुनाव के दौरान 6 जिलों में 16 लोगों की हत्या की गई। इसके बाद ही एक महीने में जान गंवाने वालों की संख्या 35 हो गई। 8 जून को चुनावों का ऐलान होने के बाद से 7 जुलाई तक 19 लोगों की जान गई थी। 8 जुलाई को ही 16 मौतों में से 13 मौतें मुर्शिदाबाद, कूचबिहार और मालदा में हुई। सबसे ज्यादा 5 मौतें मुर्शिदाबाद में हुई, यहाँ 200 लोग घायल भी हुए। वहीं सबसे ज्यादा टीएमसी के 9 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई। सीपीआई के 3 लोग मारे गए। जलपाईगुड़ी हिंसा में 8 पत्रकार घायल हुए। पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा बलों के तैनात न होने की खबरों को लेकर बीएसएफ डीआईजी एसएस गुलेरिया ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें राज्य के सेंसिटिव बूथ की जानकारी नहीं दी थी। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि जानकारी देने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी। बीएसएफ डीआईजी एसएस गुलेरिया ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने सिर्फ 7 जून को सेंसिटिव बूथ की संख्या बताई, उनकी लोकेशन या कोई और अन्य जानकारी नहीं दी गई। यहां पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 59,000 ट्रूप और 25 राज्यों की आर्म्ड पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने बताया कि सिर्फ 4,834 सेंसिटिव बूथ हैं जिन पर सीएपीएफ को तैनात किया गया था, लेकिन असल में यहां कई ज्यादा सेंसिटिव पुलिस बूथ थे। बीएसएफ की तैनाती तो स्थानीय प्रशासन की मांग पर ही की गई थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।